गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का पेपर थर्ड दैट इज टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। हम पिछले वीडियो में मैं आपको पॉलिनेशन के बारे में बता रही थी, आज जो है हम इसको पॉलिनेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम पॉलिनेशन कंटिन्यू करेंगे। उस दिन मैंने आपको सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में बताया था, आज हम पढ़ेंगे एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि क्रॉस पॉलिनेशन में एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, तो इन पोलन ग्रेन्स में दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचने के लिए कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होता। ये जो स्थानांतरण है या जो ट्रांसफर है, ये बाहरी फैक्टर्स के द्वारा होता है, जैसे एयर, इंसेक्ट, वाटर आदि। तो आज हम पढ़ेंगे एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। दो तरह के एजेंट्स होते हैं, एक है बायोटिक फैक्टर्स और दूसरा है अबायोटिक फैक्टर्स। पहले हम पढ़ेंगे बायोटिक फैक्टर्स, और बायोटिक फैक्टर्स में पहला है एंटेमोफिली यानी कीट परागण। 80% प्लांट्स के अंदर ये पॉलिनेशन पाया जाता है। जिन भी प्लांट्स के अंदर कीट पॉलिनेशन या इंसेक्ट पॉलिनेशन पाया जाता है, उनमें फ्लावर्स जो होते हैं वो बहुत सुंदर, कलर्ड, अट्रैक्टिव और सुगंधित होते हैं, और इनमें नेक्टर भी प्रेजेंट होता है। कीट में जैसे तितली, भंवरे, मधुमक्खी आदि इसमें मुख्य रूप से सहायक होते हैं। इनमें फ्लावर्स में, क्योंकि फ्लावर्स बहुत सुंदर होते हैं और एक खुशबू आती है, तो उससे अट्रैक्ट होकर कीट जो होते हैं या इंसेक्ट्स जो होते हैं वो फ्लावर तक पहुंचते हैं, और पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो इन इंसेक्ट पर चिपक जाते हैं। अब यही इंसेक्ट जब दूसरे फ्लावर्स पर जाकर बैठते हैं तो वो जो पोलन ग्रेन्स है वो छिड़क कर स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं और उसे पॉलिनेट कर देते हैं। इसके अलावा कुछ प्लांट्स जैसे एरिस्टोलोकिया, इसमें हेयर्स पाए जाते हैं, स्टिग्मा के ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं, तो जब ये कीट फ्लावर से पोलन ग्रेन्स इन पर चिपक जाते हैं तो क्योंकि इसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और वो नीचे की तरफ झुके हुए रहते हैं, इससे ये इस कीट को बाहर नहीं निकलने देते, तो इसके पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से जो भी प्लांट्स में कीट से जो पॉलिनेशन होता है उनमें फ्लावर्स जो होते हैं वो बहुत सुंदर, अट्रैक्टिव और खुशबूदार होते हैं। कीट परागण में ही जैसे कैलोट्रॉपिस में आपको पता है कि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो पोलिनिया में प्रेजेंट होते हैं। इन पोलिनिया पर एक ग्लैंडुलर डिस्क होती है, तो जब कोई भी मधुमक्खी इन पर बैठती है तो उसके चिपचिपे पैरों में ये पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं,
और जब ये मधुमक्खी दूसरे फ्लावर्स पर जाती है तो उस फ्लावर के स्टिग्मा पर ये पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कर देती है और इस तरह से पॉलिनेशन की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो ये तो था कीट परागण या एंटेमोफिली। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑरिन्थोफिली। इन प्लांट्स के अंदर छोटे पक्षियों द्वारा पॉलिनेशन होता है। ये प्लांट्स में भी फ्लावर्स जो होते हैं वो कलर्ड, अट्रैक्टिव, ट्यूबुलर या कप शेप्ड होते हैं और इनमें नेक्टर पाया जाता है। नेक्टर से एक लिक्विड निकलता है और इनमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो भी बहुत अधिक संख्या में बनते हैं। तो जब ये पोलन फ्लावर में पक्षी जो है इन पोलन ग्रेन्स को लेने की चेष्टा करता है और अपनी चोंच अंदर डालता है तो उस चोंच से ये पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं और उसी चोंच से जब ये दूसरे फ्लावर पर पहुंचते हैं तो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाते हैं और इस तरह से पॉलिनेशन हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है बिग्नोनिया, बॉम्बेक्स आदि। तीसरा है कैरिप्टेरी फैली यानी चमगादड़ द्वारा परागण। इनमें भी फ्लावर्स जो होते हैं वो बड़े व्रंथयुक्त और उनमें बहुत अधिक नेक्टर होता है और ये रात में खिलते हैं। तो इन फ्लावर्स की खुशबू से आकर्षित होकर चमगादड़ इनके पास ये नेक्टर ग्रहण करने आते हैं और फिर ये दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर इन पोलन ग्रेन्स को डाल देते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है एंथोसिफेलस कदम्बा। चौथा है मेलाकोफिली यानी शुंबक परागण। यहाँ पर पॉलिनेशन स्नेल्स के द्वारा होता है और इसका एग्जाम्पल है एरिसीमा। नेक्स्ट है मिरमेकोफिली यानी चींटियों द्वारा पॉलिनेशन। यहाँ पर कुछ प्लांट्स के सीड्स के ऊपर तेल युक्त या ऑयल्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे इलियासम कहते हैं और इससे आकर्षित होकर चींटियां इससे चिपक जाती हैं और इन सीड्स को ये दूर दूर पॉलिनेट करने में सहायक होती हैं। तो ये तो थे बायोटिक फैक्टर्स यानी जैविक कारक। अब हम पढ़ेंगे अबायोटिक फैक्टर्स यानी अजैविक कारक। ये भी दो टाइप्स के हैं, पहला है एनिमोफिली और दूसरा है हाइड्रोफिली यानी वायु परागण और जल परागण। पहले हम पढ़ेंगे एनिमोफिली। जिन प्लांट्स में एयर द्वारा पॉलिनेशन होता है उनमें फ्लावर्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, अनाकर्षक यानी अट्रैक्टिव नहीं होते और इनमें कई तरह की खुशबू या नेक्टर भी प्रेजेंट नहीं होती। यहाँ पर पोलन ग्रेन्स भी जो होते हैं वो बहुत लाइट, ड्राई, बहुत छोटे और बहुत लार्ज नंबर में बनते हैं। ये इन फ्लावर्स में जो स्टाइल होती है वो काफ़ी लॉन्ग होती है और फ्लावर के बाहर निकली होती है। इसलिए जब पोलन ग्रेन्स हवा में उड़ते हैं तो इस स्टिग्मा से ये उलझ जाते हैं और इसे पॉलिनेट कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे पाइनस, टाइफा आदि। अब दूसरा है हाइड्रोफिली यानी जल परागण। यहाँ पर पॉलिनेशन जल द्वारा या वाटर द्वारा होता है। इसके भी फ्लावर्स जो होते हैं वो बहुत छोटे
और अनअट्रैक्टिव होते हैं। कुछ प्लांट्स में फ्लावर जो होते हैं वो पानी के अंदर डूबे रहते हैं, तो वहाँ पानी के अंदर ही ये प्रोसेस जो है वो संपन्न हो जाता है। लेकिन कुछ प्लांट्स में पॉलिनेशन तभी संभव हो पाता है जब ये प्लांट्स पानी के ऊपर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पानी के अंदर पाया जाता है, लेकिन रिप्रोडक्शन के टाइम जो मेल फ्लावर्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये पानी के ऊपर तैरते हुए पाए जाते हैं। और इसी तरह जो फीमेल फ्लावर है जो कि प्याले नुमा होती है, उससे एक लंबी कॉइल्ड जो है स्टिग्मा निकलता है। तो ये जो मेल फ्लावर्स है, इनके जो पोलन ग्रेन्स है, ये पानी में तैरते हुए फीमेल फ्लावर्स पर गिर जाते हैं, और क्योंकि इनकी स्टाइल जो होती है वो कॉइल्ड हो जाती है, तो उससे ये इसको वापस पानी के अंदर कर देती है और पॉलिनेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी फर्टिलाइजेशन और फ्रूट का डेवलपमेंट पानी के अंदर ही होता है। तो ये तो था पॉलिनेशन के एजेंट्स। अब हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन प्लांट ब्रीडर्स द्वारा किया जाता है ताकि प्लांट की बेस्ट क्वालिटी प्राप्त कर सकें। इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। इसमें जो बेस्ट कैरेक्टर वाले प्लांट्स हैं उनके पोलन ग्रेन्स को आर्टिफिशियली फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक स्थानांतरित कर देते हैं। इनमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको पहले ही हटा दिया जाता है। इस प्रोसेस को ईमैस्कुलेशन कहा जाता है ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके, और इनके पोलन ग्रेन्स को लेकर फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर डाल दिया जाता है और उसके ऊपर एक पॉलीथीन या पेपर बैग से इसको कवर कर देते हैं ताकि दूसरे अनवांटेड या अवांछित पोलन ग्रेन्स इसके ऊपर ना गिर पाए। तो ये था पॉलिनेशन जो आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।